एक ओर जहां इजराइल और हमास के बीच गाजा में भीषण जंग जारी है, वहीं दूसरी ओर ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने गया हमास पॉलिटिकल विंग का चीफ, या यूं कहें कि हमास सरगना इस्माइल हानिये मारा गया है। दावा है कि हानिये के राजधानी तेहरान के आवास पर स्ट्राइक की गई। इसमें हमास के चीफ और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। इस चौंका देने वाले हत्याकांड के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में काफी तनाव गहरा गया है। ये तनाव इसलिए भी काफी भड़क गया है क्योंकि ईरान की सरजमी पर हमास सरगना को निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिये की मौत पर ईरान और हमास दोनों ने ही पुष्टि कर दी है। हमास चीफ का मारा जाना इसराइल के लिए बड़ी सफलता है। 62 साल के इस्माइल हानिये की मौत के पीछे इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल इसराइल का इसे दुश्मन नंबर वन बताया जाता है। इसराइल ने कई बार उसे मारने की कोशिशों को अंजाम दिया था। इससे पहले इस्माइल हानिये के 3 बच्चे और 4 पोतों की भी अप्रैल में इसराइल ने हवाई हमले में हत्या कर दी थी। यही नहीं, उसकी बहन की भी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। इस्माइल हानिये 2 दशक से भी ज्यादा समय तक हमास को लीड कर रहा था। पिछले साल नवंबर महीने में इसराइल ने इस्माइल हानिये के गाजा में एक घर को उड़ाया था। ऐसे में शक की सुइयां इसराइल पर मंडरा रही हैं। मगर इस हत्याकांड पर फिलहाल इसराइल ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को खून खराबे का बदला चुकता कर लिया है। पिछले 9 महीने से बदले की आग में झुलस रहा इसराइल कई बार मौकों की तलाश में देखा गया था। इस दौरान हमास के सफाई के लिए इसराइली बलों ने गाजा को तबाह करके रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल के नंबर वन दुश्मन की अचानक हमले में हुई मौत से शक की सुई इसराइल पर आना लाजमी है। चौंकाने वाली बात यह है कि हानिये को गाजा फिलिस्तीन या कतर में नहीं बल्कि ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। 31 जुलाई 2024 के तड़के हमास चीफ को मार गिराया गया। आइए अब नजर डालते हैं इस्माइल हानिये के अब तक के सफर पर। इस्माइल हानिये का जन्म गाजा के पास एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। साल 1989 में इसराइल ने इस्माइल हानिये को 3 साल तक कैद में रखा था। 1980 के दशक में हानिये पहले इंतिफादा के बाद हमास में शामिल हुआ था। जैसे जैसे हमास की ताकत बढ़ी, हानिये का कद भी बढ़ता चला गया। 1997 में हानिये को हमास का चीफ बनाया गया। उसे साल 2004 में सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व का हिस्सा बनाया गया। उसे साल 2006 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री बनाया। इस्माइल हानिये 2006 से 2017 तक गाजा में हमास का लीडर रहा। साल 2017 में हानिये हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ बन गया था। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिये ने गाजा पट्टी छोड़ दी थी। हमास के लिए विदेशी मदद लाने में हानिये का बड़ा रोल रहा है। हमास का इंटरनेशनल ऑफिस भी कतर की राजधानी दोहा में ही है। साल 2017 में अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था। हानिये की नेतृत्व में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। ईरान में हानिये पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो वहीं ईरान के अंदर हुए इस जानलेवा हमले से तेहरान सकते में है। ईरान से लेकर हमास समूह और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके पीछे इसराइल का हाथ बता रहे हैं। खास बात है कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन इसराइल पर उठ रहे सवालों से ये साफ है कि आने वाले दिनों में इसराइल और ईरान की दुश्मनी नया मोड़ ले सकती है। जहां इसी साल अप्रैल महीने में ही ईरान और इसराइल में सीधा टकराव देखने को मिला था। दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे पर सीधे हमला कर दुनिया भर के देशों की सांसें कुछ समय के लिए थमा दी थी। ऐसे में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट को कई बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है।